हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दक्षिणी दिल्ली से सांसद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रमेश विधुड़ जी। शीश महल पे 6-7 बार खुलासे हो गए लेकिन अभी तक कुछ बोले नहीं है। बहुत शानदार कमोड और बड़े बड़े शीशे और शीशों में लाइट हैं और कई प्रकार के शीशे और मतलब क्या बताएं, अब हम कुछ बता भी नहीं पाएंगे, इतना बढ़िया है उनका शीश महल, लेकिन अभी भी चुप है, खामोश है, क्या कहेंगे? देखो केजरीवाल साहब अपनी औकात भूल गए, उसने उन मैंने नहीं कहा ये शब्द अनपार्लियामेंट्री भाषा है, बोलना नहीं चाहिए, ऑनरेबल मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि मैं मेरी औकात जानता हूं। तो उनकी औकात 4 कमरे के मकान थी, 45 करोड़ के शीश महल की औकात नहीं थी, उन्होंने बनाया केजरीवाल साहब ने। केजरीवाल साहब शीश महल से लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहते हैं मेरे अनुसार अधिकारी नहीं लगे थे। अगर तुम्हारे अनुसार अधिकारी नहीं थे तो उस अधिकारी ने 9 करोड़ 99 लाख के टेंडर क्यों लगाए रिन्यूवेशन के नाम से और नया मकान क्यों बनाया? सबसे पहला एक्शन केजरीवाल, आपके अंदर गैरत है तो उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले और जिस मिनिस्टर ने ऑर्डर करें उस मिनिस्टर को कहे कि मेरी जानकारी में नहीं थे, मिनिस्टर ने मक्कारी की है। खुल जा सिमसिम के दरवाजे, एयरपोर्ट जैसे आप अपने बंगले में लगा रहे हैं केजरीवाल साहब। तो लोगों का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के कल के जो निर्णय है वो निर्णय केवल एनसीटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के पास होगा, राज्य सरकार चुनी सरकार जो प्रपोजल बनाएगी लीगल कैबिनेट में अप्रूवल करके जो प्रपोजल एलजी को भेजेगी एलजी उनको पास करने के लिए बाध्य है, ये कानून में है। आप ये बताएं केजरीवाल साहब, आप बताएंगे नहीं वैसे केजरीवाल साहब, उनके अंदर गैरत है तो बताएं कि कौन सी एक फाइल किस अधिकारी की एलजी के पास भेजी उन्होंने आज तक कि इस अधिकारी की मैंने फाइल भेजी थी, इसको यहां से हटा के यहां लगा दो और एलजी ने हटाया लगाया नहीं। झूठ बोलते हैं, मोदी साहब पे डालना, एलजी साहब पे डालना, केंद्र का, ये लोगों को गुमराह करता है। सिविल सर्विसेज बोर्ड के माध्यम से आईएएस के ट्रांसफर होते हैं पूरे देश भर में, वो केजरीवाल के दिल पूरे देश भर में होते हैं, ममता जी के वहां भी होते हैं जो खूब होती हैं, वो भी चेता होती है, पंजाब में भी होते हैं मानसिंह को पूजे होते हैं, सिविल सर्विसेज बोर्ड के माध्यम से आईएएस के ट्रांसफर होते हैं। अभी तक जितने अधिकारी लगाए थे, एजुकेशन डायरेक्टर, एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर, हेल्थ डायरेक्टर, हेल्थ एजुकेशन डायरेक्टर, जल बोर्ड का सीओ, एसडीएम, एडीएम, तहसील, सब केजरीवाल ट्रांसफर करता है, मोटे मोटे पैसे लेकर करते हैं इसके लोग, इसके एमएलए, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुझे ट्रांसफर पोस्टिंग की छूट मिल गई है तो वो एक और 99वीं गलती पूरी कर रहे हैं अपनी, 69 हो गई है और 20 है तो दिल्ली की जनता अपना आप इसको उठा के घर बैठा देगी। मतलब आपको क्या लगता है कि ये जानबूझकर इस तरीके से इसको एक बड़े जश्न के तौर पर आम आदमी पार्टी मना रही है कि जो शीश महल के सवाल है वो लोग पूछना बंद कर, हाँ, कि पूरी मीडिया का डाइवर्शन हो जाए केजरीवाल के ये जो कल वो भाषा बोल नहीं सकता, किसी के घर में ना होने वाला और बच्चा पैदा हो इसे खुशी मनाने लगे, तो वो काम कर रहा था कल केजरीवाल की मंडली, वो काम करके दिखा रही थी केजरीवाल की मंडली ने, कल किसी ने ये नहीं कहा कि ये एक अफसर है, इसका हमने ट्रांसफर करने की कोशिश की थी और ये ट्रांसफर रोक दिया था। तो झूठा एक नैरेटिव जो फिक्स करता है ना केजरीवाल साहब, वो उसने करने की कोशिश की। केजरीवाल साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद बोलेंगे कि शीश महल के बारे में मैं अनभिज्ञ था, हम लोगों को तो अंदर ही नहीं जाने देते, तो हम लोग सवाल ही नहीं पूछ पा रहे हैं, नहीं नहीं लोगों को अंदर ही नहीं जाने, और पत्रकार डर गए, मुझे लगता है, माफी चाहूंगा पत्रकार बुरा ना माने, और पत्रकार डर गए कि मैं भी कहीं पंजाब चला गया या मैं कहीं वैष्णो देवी दर्शन करने चला गया और पंजाब रास्ते में पड़ गया तो मुझे भी कहीं टाइम्स नाउ की पत्रकार की तरह झूठे केस में बंद ना कर दे। कल एक भी पत्रकार ने ये नहीं पूछा इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल साहब शीश महल का राज क्या है, आप अपनी औकात भूल गए, आप तो 4 कमरे की कोठी कह रहे थे, वो 25 कमरे का महल क्यों बनाया जा रहा है केजरीवाल साहब, एक भी, मैं यही सोच रहा था शायद नीचे से कोई सवाल आएगा, एक भी सवाल, लोगों को अंदर जाने देते नहीं है क्योंकि उनको पता है कि ये सवाल पूछेंगे, और बाहर सवाल पूछते हैं तो धमकाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, और दूसरे राज्य में जाके सवाल पूछते हैं तो वहां पर पुलिस है तो गलत तरीके से, लेकिन कोर्ट ने जो फटकार लगाई है और भावना ने जिस तरीके से अपनी भावना व्यक्त की कि महिला होने के नाते, एक दिल्ली की बेटी होने के नाते किस तरीके का व्यवहार वहां पर किया गया जैसे कोई टेररिस्ट। देखो उनके खिलाफ तो एक्शन होना ही चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, जिन अधिकारियों ने शाम को 6 बजे के बाद देश के कानून में महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते, बगैर महिला के अधिकारी कार में बैठा कर लेकर जा रहा है, अलग कमरे में पुरुष अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है बगैर महिला के, तो जो टेररिज किया गया था उसी टेररिज का फल मिल गया केजरीवाल को कि कल एक पत्रकार ने सवाल नहीं पूछा, मुझे लगता है डर गए पत्रकार कल को मेरे साथ भी ना हो जाए, लेकिन हम सवाल पूछते रहेंगे और जब जब मिलेंगे तब तब सवाल पूछेंगे। अभी भी यदि देख रहे हो तो हम सवाल जानना चाहते हैं कि शीश महल के 45 करोड़ रुपए कहां से आए, हम जानना चाहते हैं केजरीवाल साहब कि 9 करोड़ 99 लाख तक के ही टेंडर रिन्यूवेशन के नाम के बनाकर पक्की कोठी क्यों बनाई है तो बता दो, वो भ्रष्ट अधिकारी कौन है, उसके खिलाफ एक्शन कब लोगे केजरीवाल सर, कब लेंगे और
तमाम सारी जो सवाल है उनके जवाब कब देंगे। कमल के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ, नवभारत, दिल्ली।